आधुनिक कहानी का संघर्ष आलेख में खास तौर से दे रहा हूं। कथा संस्कृति में इंसानी दुनिया की सभी सदियां बोल रही हैं और अपना सत्य उजागर कर रही हैं। इस ग्रंथ को अगर 21वीं सदी की कथा रचना तक फैलाया जाएगा तो कथा संस्कृति के विस्तार को समेटने के लिए लाखों पृष्ठों की जरूरत होगी। भारत दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे नया कथापीठ है। इसी नए कथापीठ के शीर्षाचार्य इंतजार हुसैन का ये आलेख आज की कहानी के होने की जरूरत को रेखांकित कर रहा है कि मानव अस्मिता के लिए कहानी अब और जरूरी क्यों हो गई है। हर कहानीकार मनुष्यता को जीवित रखने के लिए शहरजाद की तरह कहानी सुनाने को प्रतिबद्ध है, ताकि अत्याचार, शोषण, अन्याय और मानव विभेद की ये लंबी रात कट सके। शहरजाद के नाम। मेरी कहानी इन दिनों मुश्किल में है। जब लिखने बैठता हूं तो अदबदाकर कोई वारदात गुजर जाती है। खबर मिलती है कि फला मस्जिद पर दहशतगर्दों ने हल्ला बोल दिया। मुंह पर ढांटे बांधे क्लाशन कोफों से मुसलह दाखिल हुए और नमाजियों को भून डाला, या ये कि इमाम बारगाह पर हमला हो गया, दम के दम में मातम खाना मतकल बन गया, या ये कि फला लारी के अड्डे पर बम फट गया और आते जाते मुसाफिरों के परखचे उड़ गए। बस जहन परेशान हो जाता है, कहानी हिरन हो जाती है और कलम रुक जाती है। मगर फिर मैं सोचता हूं कि मैं क्या बेचता हूं और मेरी कहानी किस गिनती में है। इस अजाब में तो सारी खलकत मुब्तला है। तजदूद का बोलबाला है, दहशतगर्दों की बन आई है। हम आप क्या पिद्दी का शोरबा। उन्होंने तो सुपर पावर अमेरिका में जाकर ऐसा उधम मचाया और वो तबाही फैलाई कि पूरा अमेरिका त्राही त्राही पुकार उठा और दुनिया में खलबली मच गई। कूदा तेरे घर में कोई यूं धम्म से ना होगा, वो काम किया हमने कि रुस्तम से ना होगा। जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। वो शेर तो ये सवा शेर। ये नक्शे देखकर वो पुराने जमाने याद आते हैं जब वहशी कबाइल अचानक उन शहरों पर जो तहजीब के गहवारे समझे जाते थे आन पड़ते थे और तहजीब के उन आशियानों को उजाड़ देते थे। वो पुराने जमाने के वहशी थे। अब हम नई बर्बरियत के जमाने में सांस ले रहे हैं। खैर से उनके टेक्नोलॉजी की कुमुख हासिल है। इस जोर पर उसने क्या जोर बांधा है कि पुराने वहशी नए वहशियों के सामने बच्चे नजर आते हैं। एटम बम तो दूर की बात है, उनकी पहुंच में तो क्लाशन कोफ भी नहीं थी। नए वहशियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ एक और कुमुक भी हासिल है, नजरिए की कुमुक। पुराने वहशी महज और सिर्फ वहशी थे। वहशत पर मुलम्मा चढ़ाना उन्हें नहीं आता था। हमारे नए जमाने के वहशियों ने अपनी वहशत को एक नजरियाती शान अता करने में कमाल हासिल किया है। दहशतगर्दी से लेकर जंग तक हिंसा की हर शक्ल के लिए कोई ना कोई नैतिक औचित्य पैदा कर लिया जाता है। कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, महज़ब ऐसे तस्वुरात से हिंसा को जोड़ दिया जाए तो उनको एक नैतिक औचित्य हासिल हो जाता है। अब अगर एक दहशतगर्द ये कहकर नमाजियों पर गोलियां बरसाता है कि ये मुसलमान नहीं असल में काफिर हैं, तो फिर ये दहशतगर्दी दहशतगर्दी नहीं रहती, सवाब का काम बन जाती है। तो हमारा जमाना खाली दहशतगर्दी का जमाना नहीं है, नजरिए से लैस दहशतगर्दी का जमाना है। अभी पिछली सदी में ऐसा जमाना गुजरा है जब इनकलाब के नाम पर हर किस्म की हिंसा को जायज समझा जाता था। अब मुसलमानों में ऐसे गिरोह सर उठा रहे हैं जो इस्लाम का नाम लेकर दहशतगर्दी करते हैं। वो इनकलाबी हिंसा थी, इस हिंसा को क्या नाम दिया जाए। ऐसे में लिखने वाला क्या करे। नहीं, मैं क्या करूं, मेरी कहानी क्या करे। एक वचन का सीगा मैंने ये सोचकर इस्तेमाल किया कि अदब में साझे फैसले नहीं होते,
हर लिखने वाला अपने फन, अपने तख्लीकी तजर्बे के सिलसिले में अकेला जवाबदेह होता है। मौत और तख्लीकी तजर्बा, उन दो के रूबरू आदमी अकेला होता है। मौत से तो खैर हर शख्स व बशर का पाला पड़ता है, तख्लीकी तजर्बे की तन्हाई अहले फन की तकदीर में लिखी गई है। तो जैसे हर फर्द मौत के रूबरू अकेला होता है, बस वैसे ही हर लिखने वाला अपने तख्लीकी तजर्बे के रूबरू अकेला होता है। एक अदीब की हैसियत से उसे बहुत से फैसले अकेले करने पड़ते हैं, मगर 20वीं सदी में जो नजरियाती तहरीकें चली, उन्होंने अदब को लपेट में ले लिया और कोई तहरीक जाती फैसले की इजाजत नहीं दे सकती। इन तहरीकों के असर में आने वाले अदीबों को ये इजाजत कैसे मिलती और क्यों मिलती? आह का किसने असर देखा है? शेर व अफसाना का मुआमला भी आह का सा है, और वो माशूक हो या फिर जाबिर हाकिम हो, आह आम तौर पर बेअसर रहती है। फिर एक बात भर्तहरी ने कही और इकबाल ने उसे दोहराया, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। मूर्खों पर कोमल बोल असर नहीं करते। ऐसी सूरत में नजरिया साज और उनकी तहरीके अदब पर एतबार कैसे करती और अदीबों को खुला कैसे छोड़ती? तो अदीबों के लिए साझा प्रोग्राम बनाए गए और लिखने के नए नए नुस्खे, ऐसा लिखो और ऐसे मत लिखो। सादतमंद अदीबों ने उनका कहना माना, जमाने के मसाइल पर बताए हुए नुस्खों के मुताबिक मिलजुल कर लिखा। मगर उस अदीब का भी असर कितना हुआ? फिर क्या हो, जलसे, जुलूस, अखबारी बयानात, यही आखिर को ठहरा फन हमारा। जंग के खिलाफ, एटमी धमाकों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिमें चलाई गई। अदीबों, दानिश्वरों ने अमन मार्च किए, नारे लगाए, तकरीरें की, अखबारी बयानात जारी किए। अच्छा हुआ, जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठनी चाहिए। आह का असर नहीं होता तो फिर चीखो, नारे लगाओ। मगर मेरी कहानी फिर भी मुश्किल में है। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, मैं तो कहानी ही लिख सकता हूं, बस अपना तो इतना ही मकदूर है। नारा नहीं लगा सकता और कहानी न दहशतगर्दी और एटमी धमाकों के माहौल में लिखी जा सकती है, ना उनके खिलाफ नारों के माहौल में। यानी दूसरी सूरत में भी कहानी तो नहीं लिखी जाएगी, नारा ही लिखा जाएगा। मगर नारा तो लगाने की चीज है, लिखने की नहीं। लिखा जाएगा तो खुद भी खराब होगा, शेर अफसाने को भी खराब करेगा। अफसाने को जियाद, शायरी तो ऐसी भी होती है जो नारे ही के जोर पर चमकती और गरजती है, मगर कहानी ऐसी छुई मुई है कि नारे का परछावा भी पड़ जाए तो मुरझा जाती है। फिर कहानी क्या करे? एक तरफ जंग है, दहशतगर्दी है, बुनियाद परस्ती है, AK-47 है, एटमी धमाके हैं, नजरियात हैं, जिनकी छतरी में ये सरगर्मियां नैतिक औचित्य हासिल करती हैं। दूसरी तरफ इसके खिलाफ नारे हैं, तकरीरें हैं, चक्के का एक पार्ट वो, दूसरा पार्ट ये। चलती चक्की देख के कबीरा रोया और मेरी कलम रुक गई।